जब से इंस्पायर अवार्ड स्टार्ट हुए, जब से पहली बार बच्ची सीकर की नेशनल अवार्ड जीती है। बी में 150 बच्चा में आपने सीकर जिला की एकमात्र बच्ची ने वे लोग छाटिया। घिया की खोड़, बया का घोसला और कांच की बोतल, बस तीन ही चीज है। इंस्पायर अवार्ड जितना भी मिले रही वे बाहर लोगों ने मिले रही जगह कुछ हटर बना भी। राम राम साहब, मैं हूँ धर्मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जलको सीकर। जलको सीकर की टीम आज जेतुसर गाँव में पहुंची है। इंस्पायर अवार्ड 2019-20 का मैन है, जो जेतुसर गांव की एक लड़की है निकिता वर्मा, वह है जो को एक इको फ्रेंडली मॉडल बनायो है, एक बहुत ही यूनिक है जो को थर्मस बनायो है। बीके मैंने अगर आप गर्म पानी डाल देवा तो 7-8 घंटा तक गर्म पानी रहो है, अगर ठंडो पानी डाल देवा तो वो 7-8 घंटा तक ठंडो ही रहो है। तो अभी आपने साथ में निकिता हैं तो आशु बातचीत कराँगा, मतलब खटेश आने इंस्पिरेशन मिली कौन बे जगह टीचर हा जगह मतलब आने सपोर्ट करो अंग परिवार को अन कितों सपोर्ट मिलियो, तो तमाम बातों पर आप आज बातचीत कराँगा। अपने साथ में निकिता वर्मा है, तो अंग हाथ में देख पा रहे हो क्या वो इको फ्रेंडली थर्मस है जो बनेडो है। तो निकिता अबार कोई सी क्लास में होते? 12वीं। अच्छा, अबार 12वीं में। तो वो मतलब शुरुआत के मैंने बनाया कदो? 2019-20 बनाया था जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो जी पहली लौकी ही गया नॉर्मल जी आप खेता में देखा करा बिसी लौकी ही या के टाइप को? सूखी हुई लौकी थी जो है। मतलब बीज सुखाने तक ही रखे है ना कोई। हाँ, जना बार की खोल है ना बहुत मजबूत हो जाए। अच्छा। इसलिए ही ना बार नहीं यूज करे चिन लगा नहीं, मतलब बार में मतलब इन देख रहे हो तो एकदम प्लास्टिक जिसो लग रहे, मतलब ये मैंने आ तो कोनी नहीं है नहीं कहकर मतलब कोई प्लास्टिक की चीज या फिर बोतल यूज करे डी वे नहीं, बिल्कुल ये सूखी हुई लौकी है। अच्छा सूखी हुई लौकी है। और एक मैंने के मटेरियल है जो को यूज रोड है इसमें? घिया की खोल, बया का घोसला और कांच की बोतल, बस तीन ही चीज है। अच्छा, तीन ही चीज है। अच्छा, ओ मतलब जेंगे ऊपर पेंट करेडो है? हाँ। अच्छा, तो अब आर 12th का मैन हो, साइंस ले रखी है? अच्छा, आगे के सोच रखी है 12वीं बाद में के करोगा? नीट की तैयारी। अच्छा, नीट की तैयारी करोगा। तो आ इंस्पिरेशन खटू मिली, मतलब खटू थाने मोटिवेट कौन करियो कि भाई इको फ्रेंडली मॉडल है आप तैयार करा? हमारे विज्ञान के टीचर श्री राजाराम कुमावत ने मुझे प्रेरित किया। अच्छा। ये बनाने के लिए। तो घरे जब पहली बार बनाया गया तो फैमिली में सपोर्ट मिलियो कौन मिलियो? मिला था। अच्छा, फैमिली में भी सपोर्ट मिलियो, मतलब नहीं कुछ भी नहीं कहा, मतलब जो भी मैंने बनाया ना उसमें मेरा पूरा सहयोग किया। अभी फैमिली की तरफ के कह रहे हैं आगे इन लाइन में जानो है या फिर क्या करोगा? वो मतलब वो है ना सब कुछ मेरे पे छोड़ना चाहते कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अच्छा। पढ़ाई के लिए भी करते हैं ना कि मतलब नई नई चीज़ों के ऑप्शन, बड़े भैया बहन तो बताते ही है ना। अच्छा। ये से आगे क्या करें हमें कैसे पता होता है वही बताते हैं हमें। निकिता वर्मा है जो आपने बताया कि एक स्पेशल टीचर हा साइंस का राजा राम जी बांगो है जो को बहुत योगदान रहे हो आपने साथ में। राजा राम जी बहुत बहुत बधाई हो थाने पल तो कह थारा पढ़ाईडा स्टूडेंट है जिसका आज सीकर को नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं राजा राम कुमावत वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। अच्छा, श्री माधोपुर से बिलोंग करूँ मैं, सीकर जिला का श्री माधोपुर से बिलोंग करूँ। अच्छा, अड़े मेरी पोस्टिंग ही कितना साल हूँ थारी पोस्टिंग ही? मेरी अड़े 8 साल हूँ पोस्टिंग ही, लेकिन अभी मेरा स्थानांतरण हो गया और मैं अभी ठिकरिया गाँव सीकर में ही पढ़ाया बटे पोस्टिंग। वो आइडियो खटू आयो मतलब निकिता बतायो कि थारो बहुत सहयोग रेडो है, तो वो मतलब आइडियो खटू आयो कभी इन टाइप की अपन चीज बना सका? क्योंकि पहले का इंस्पायर अवार्ड जितना भी मिले रही वे बाहर लोगों ने मिला रही जगह कुछ हटर बना भी, और मैंने यहाँ लगे कि आप अगर कुछ बनाओ ना इंस्पायर अवार्ड के लिए तो कुछ हटर बनावा और बच्चों आगे तक जाए तो स्कूल को भी नाम रोशन हो सी और बढ़िया रहसी। स्कूल को भी नाम रोशन हुए, गाँव को भी नाम रोशन हुए, सीकर जिले को भी नाम आए, क्योंकि सीकर की एकमात्र लड़की है जो इंस्पायर अवार्ड में नाम आए। बिल्कुल, एकमात्र लड़की है, एकमात्र लड़की का ही 10 साल में जब से इंस्पायर अवार्ड स्टार्ट हुए, जब से पहली बार बच्ची सीकर की नेशनल अवार्ड जीती है। और हमेशा मेरी सोच रही है कि सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चा पढ़े आपको सपोर्ट करो जाए और आपके लिए ही सब कुछ करा, सब कुछ बढ़िया रही हो, ईश्वर को भी सहयोग रही हो कि माने नेशनल अवार्ड मिल गो, बच्ची ने मिलियो माने भी मिलियो नेशनल अवार्ड। तो अब मतलब ओ इंगो के करियो जागो इंगो के यूजफुल है वो थोड़ा सा बताओ। ये यूजफुल यहाँ है कि मतलब बहुत सारा यूजफुल है कि आपने जगह बाजार में मिले 1000 रुपये तक आप जाना सब कि थर्मस 1000 रुपये तक मिला है, वो मात्र 50-60 रुपये में घराने तैयार कर लियो थे। सूखी लौकी लेनी है आपने, एक अंदर भैया को घोसलो जो आपने एक पक्षी आवे भी को घोसलो है वो लगा लिया, कुछ चालक परत के लिए लगा वहाँ, फिर एक अंदर एक कांच की बोतल लगाई जबकि कांच खोल के दिखाया थोड़ी सी इमें कांच की बोतल है, आ कांच की बोतल ये लगाई कि
जी हाँ, प्लास्टिक की बोतल से सामान खराब हो जाए। अब कांच की बोतल में गर्म पानी डाल लियो, चाहे ठंडो डाल लियो, चाहे चाय डाल लियो, चाहे कॉफी डाल लियो। अच्छा। कोई खेत में भी, ग्रामीण खेत में भी ले जा सके इन्हें। हाँ। और यही नहीं, ट्रेन में सफर करवाला भी ले जाओ, 8-10 घंटा तक इन्हें गर्म पानी गर्म रहे, ठंडो डाल लियो तो ठंडो रहे। मतलब दिखने में भी कितना अट्रैक्टिव है, मतलब देखवा में भी बढ़िया लग रहे हो, यहाँ को नहीं है पुराना टाइप को। हाँ बिल्कुल, इके ऊपर से कटिंग कर और इके यहाँ सोचा कुंदा सांकली लगा लिया, तो पैक करवा के लिए कुंदा सांकली लगाया गया है और फिर इन सुंदर बनावा के लिए ने नेचुरल कलर भी प्राकृतिक रंगा सुरंग हो गए हुए। प्राकृतिक रंग है जगह भी प्राकृतिक। हाँ वह प्राकृतिक, क्योंकि पेंट प्लास्टिक हो है इसलिए वो सही को नहीं। अच्छा। लेकिन प्राकृतिक रंगासु कोशिश करी गई है कि प्राकृतिक रंगासु ही रंग हो जाए सुंदर लाग बागे। अब मतलब मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि ओ जो थे इको फ्रेंडली थर्मस बनाए हैं, तो मतलब एकदम पत्थर टाइप का बन रहे हैं, तो मतलब आ तो को नहीं है नहीं कि खटे में कुछ और मटेरियल यूज कर दो और फिर रंग कर दो। इसमें 1% भी कोई दूसरा मटेरियल यूज कौन करे दो, अभी मार्केट में अवेलेबल कोनी नहीं था ने, मैं घिया दिखा था। अच्छा। और पतो था ने खुद ने यह लाग तो कि रियल में बघिया आ किया है, वैसी पक में सुंदर लाग बा के लिए थोड़ा कलर कर दिया और कोई भी कोना, अब पूरी नेचुरल है। अच्छा। और सारी कृषि से प्राप्त हुए इसलिए इको फ्रेंडली है, इलिया हर जगह सेलेक्ट होगी। अच्छा। और थे भी जानो कि हर 4 स्तर पर सेलेक्ट हुई अपनी। अच्छा, बिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो सबसे पहली पूरा इंडिया में इंस्पायर अवार्ड के लिए फॉर्म भरा जाए, प्रत्येक स्कूल में सामान्यतः 5 को टारगेट दे कि 5 बढ़ना है। अच्छा। आप अभी 5 ही भरवा दें और पूरा भारत में 392,000 का लगभग फॉर्म भरा 2019 में। बीमें 42,000 बच्चा सीख कर के लिए पूरा राजस्थान भारत देश में सेलेक्ट हुआ, 10-10 हज़ार रुपया बस सब बच्चा ने मिला, 42,000 बच्चा ने। अच्छा। जहाँ अपनी बच्ची भी ही। और बी टाइम पे सीख कर जिला में करीब 160 के बच्चा समथिंग चाह और प्रदर्शनी में 115 बच्चा पहुँचा। बामा सू 7 या 8 बच्चा प्रदर्शनी जी हुई आपने सीकर में ही हुई या फिर झुंझुनू हुई? बिल्कुल, सब पूरा इंडिया में जिला स्तर पर करवाई, वह जिला वाइज लिस्ट बनाई और जिला स्तर पर ही सेलेक्ट हुआ बच्चा। तो जिला में प्रदर्शनी लगी भी बच्चे, प्रदर्शनी में 708 बच्चा शायद सीकर का राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए सेलेक्ट किया गया। पूरा राजस्थान में भी लगभग 150 बच्चा सेलेक्ट हुआ पूरा राजस्थान में जिला स्तरीय प्रदर्शनी से, बा 150 बच्चा को झुंझुनू में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगी। बी में 150 बच्चा में आपने सीकर जिला की एकमात्र बच्ची ने वे लोग छाटिया जूरी। हाँ बिल्कुल, जूरी को धन्यवाद कि वे लोग अपना ने सपोर्ट करया। हाँ। और अपनी बच्ची ने सेलेक्ट करया। और झुंझुनू का 7 बच्चा सेलेक्ट करया, 7 या 8 बच्चा, और पूरा 18 बच्चा सेलेक्ट हुआ पूरा राजस्थान से। अब राजस्थान स्टेट से सेलेक्ट 18 बच्चा हुआ और पूरा नेशनल स्तर पर राज्य केंद्र स्तर पर पूरा 581 बच्चा ने सेलेक्ट कराया वे लोग। अच्छा। बक 581 बच्चा की केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन करे गयो, बा कोरोना की वजह से 1.5 साल डिले होगी, 1.5 साल लेट होगी। अच्छा। जी वजह से बच्चा अभी मार्च माह का ऑनलाइन करवाए कोरोना की वजह से, भैया तो लगी होना प्रदर्शनी इसलिए ऑनलाइन प्रदर्शनी लगवाए। और ऑनलाइन मतलब वीडियोग्राफी मंगाई या फिर ऑनलाइन कॉलिंग? बिल्कुल, एक ऐप छो बीमारे आने वीडियो अपलोड करना। अच्छा। जहाँ बच्ची को अड़े वीडियो बनाए गयो और वीडियो में अपलोड कराया। ठीक है। वो वीडियो अपलोड होने के बाद में फिर वह जूरी बैठी बैठे और वह प्रत्येक वीडियो ने 581 बच्चा का वीडियो ने चेक कराया, देखा बाने कुछ लागे और पूरा नेचुरल हो, ये वजह से वह सेलेक्ट कराया और पूरा भारत में 60 बच्चा ने सेलेक्ट कराया वह। अच्छा, मतलब टॉप इंडिया का 60 जगह बच्चा है। हाँ हाँ, जगह सीकर की आपने निकिता वर्मा है, जो आपने सीकर जिले को नाम रोशन किया। बिल्कुल, बच्ची ने 10,000 रुपया पहली मिल गो सीकर स्तर पर सेलेक्ट हुई जना। अच्छा। फिर राज्य स्तर की प्रदर्शनी में चयनित होता ही 25,000 और मिलगा। अच्छा। टोटल 35,000 रुपया तो बच्ची ने मिल चुका। अब बच्ची राष्ट्रीय स्तर पर जासी और राष्ट्रपति भवन में बच्ची को सम्मान होसी। अच्छा। अभी थोड़ा मतलब महीना भर में शायद डेट दे दी जासी शायद। तो मतलब ऐसे का बच्चा चयन हुआ है तो आगे लिए सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल करियो जावे या फिर? बिल्कुल स्पेशल करियो जाए, सरकार बच्चा के लिए कंपनियां भी आवे बैठे तो कंपनियां बच्चा का मॉडल देख बस वो पेटेंट करवायो जाए। अच्छा। अगर कंपनियां ने लगे कि अपने लिए भविष्य में यूजफुल हो सके तो भी को बच्चा को मॉडल पेटेंट करके वे लोग भी ने काम में ले हुए है और बच्चा ने आगे भी प्रमोट मार्केट के मैं कंपनियां मार्केट में डाले है और वही चीज़ें पेटेंट वे रहा है और बच्चा ने इसके लिए हो सके विदेश घुमाबा को भी मौको मिल सके अगर सरकार चाहिए तो शायद। लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन भी कर दे सरकार को पता नहीं, वह केंद्र सरकार पर डिपेंड करे कि कभी कहीं चाहे। तो एक बात बताओ सर, मन आपने स्कूल में पहली बार निकिता वर्मा ही सेलेक्ट हुई है या फिर पहले भी कोई और बच्चा हुई है? इंस्पायर अवार्ड 2012-13 से मैं भरवा रही हूँ, हर बच्चा हर साल मिले है बच्चा ने, लेकिन प्रदर्शनी को नोती पहली को क्राइटेरियो दूसरों तो केवल साइंस और मैथमेटिक्स में बच्चा का नंबर जितना ज़्यादा होता ना वह बच्चा ने चुन लेता। अच्छा। लेकिन
दो तीन साल आसू यहाँ क्राइटेरियो बदल दी सरकार और बोली कि इस बच्चा ने कुछ फायदा ही कौन हो रही हो, सरकार ने भी कोई फायदा कौन हो, देश ने फायदा कौन हो ना भैया। सोचा कि क्यों नहीं बच्चा का मॉडल बनवाया जाए, बी आधार पर ही बच्चा ने तैयार करो जाए, क्योंकि साइंस मैथ्स मैथ्स में तो कोई भी बच्चों होशियार हो सके, विज्ञान गणित में तो यहाँ का बच्चा भी वह है जो स्कूल में पढ़ाई में तो होशियार कौन हुआ लेकिन बाकी दिमाग और क्या में चल है और वह यहाँ का नया कुछ ना कुछ बना। मतलब इसी प्रतियोगिता होनी बहुत जरूरी जरूरी है बाद में बच्चा ने आगे ने बढ़ावा के लिए। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार पुनः थाने बहुत बहुत बधाई कि आपने सिकर की बेटी है जो कि आपने सिकर को नाम रोशन। अभी आपने साथ में निकिता वर्मा का पिताजी जगह साथ में पहले दिया बताओ थाने वो मॉडल की शौक लगे हुए जिसको बनाए हो। हाँ बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया हो गया भाई, पुराना आदमी हो थार तो पुराना टाइम में भाई खेत खाद ले जानता और पानी ले जानता जना थर्मस होया कौन करता, लेकिन आज अलग टाइप को थर्मस बनाया है। हाँ अलग टाइप को है, पहले तो हम मटकियां में पानी ले जाता, पहले मटकियां ले जाता अब भाई फिर बाद में समझायो भाई वो ई हिसाब से रहते पानी जिसो गाला जिसो रेसी। हाँ हाँ फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगे बढ़िया। अच्छा थे निकिता का बड़ा भाई साहब? बड़ा भाई साहब। अच्छा छोटी बहन है सीखकर के मैं नाम रोशन कर रही क्या लग रहा है एज ए बिग ब्रदर थाने क्या लग रहे हैं? हम बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान में नाम भी हो रहा है, तीन बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है उसमें एक नंबर पे यही है। हाँ हाँ तो ऐसे अच्छा तो लगता ही है, अच्छा लग रहा है। अभी इंस्पायर अवार्ड में जाएगी, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में वहाँ से उसको पुरस्कार मिलेगा या जापान विदेश जाने का मौका मिलेगा। भाई छोटी छोटी स्कूल में छोटे छोटे गाँव में लोगों पता ही कोई नहीं हुआ क्या है इसी भी कोई पुरस्कार हुए गए इसी भी कोई प्रदर्शनी लगे गए। हाँ नहीं पता रहता है गाँव के स्कूल में, पहले भी वहाँ पर भी नहीं पता था, फिर जहाँ मतलब नए प्रिंसिपल आए हैं उनके सहयोग से या जो राजाराम जी टीचर थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे इनका फॉर्म भरवाया, ऐसे ऐसे इनको समझाया कि आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ बनाना है, तो इन्होंने मतलब घिया लिए वो बिया का घोसला लिया और उसके अंदर वो बोतल डाल के ऐसे बनाने की कोशिश करी, तो उसमें पानी जो 7 घंटे तक ठंडा और 7 घंटे तक गर्म रहता है और उसको ज़्यादा भारी भी नहीं है, हल्का ही है। अच्छा मतलब भारी हाँ भारी होता, मतलब 1 kg या 2 kg के आसपास वजन होता है इसका, 500 या 550 ग्राम के आसपास वजन है इसका। तो अब रिश्तेदारों का फोन फान आना बंद हो गया क्या? नहीं नहीं रिश्तेदारों के फोन तो आते रहते हैं कि बधाई हो, स्टेटस लगाते रहते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे न्यूज़पेपर में आते तो उनका स्क्रीनशॉट लेके उनका वो स्टेटस लगाते रहते हैं। आज हरी जी की स्पेशल कवरेज है, आने किसी की लगी थारा जितना भी विचार है वे माने नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। जय सीकर जय राजस्थान।